राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हमने ये सॉक्स बनाए हैं। देखिए, इस तरह से है सॉक्स। ये लेडीज सॉक्स हैं, इस तरह से सॉक्स हैं। ये बहुत ही प्यारी फिटिंग आती है इनकी। ये हमने बॉर्डर बनाया है, ये हमारा ऊपर तक आता है। इस तरह से हम आज सॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बनाने के लिए हमने यहाँ पर 54 फंदे डाले थे। 54 फंदे डालने के बाद हमने दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे इस तरह से बॉर्डर किया है। यहाँ पर हमने इसकी सीधी सिलाई की, फिर उल्टी सिलाई की, फिर सीधी सिलाई की, फिर उल्टी सिलाई पर हमने यहाँ पर धागा चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमने ये चार इसकी रो बनाई है, चार इसकी रो बनाई है, चार इसकी, चार इसकी, चार इसकी। इसके बाद हमने यहाँ पर आगे का वर्क करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है। देखिए, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी तरफ है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे, इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बनाकर हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। इस फंदे को भी हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये हम उल्टी तरफ आ गए हैं, तो इस रो को भी हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से, इस तरह से इस रो को भी हम उल्टा उल्टा बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये राउंड भी अपना बनाकर कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे हम। देखिए, यहाँ पर हमें ये इस तरह से ये उभार आता है, ये हम बनाते हैं। तो ये हमें दो और लाने हैं। इसका मतलब है हम ये वाला राउंड बनाएंगे, इसके बाद हम उल्टा राउंड बनाएंगे, सीधा सीधी तरफ बनाएंगे और उल्टी तरफ बनाएंगे। इसके बाद हमने ये चार राउंड बनाकर, ये तीन उभार आ जाएंगे, चार राउंड बनाएंगे हम। तो वर्क कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पर 21 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 इस तरह से बनकर आया ये। अब देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से उल्टा 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 बनाएंगे। तो दो फंदे बना लिए हमने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये हमने 21 फंदे बना लिए हैं। 21 फंदे हम इस तरफ रखेंगे और बीच के हम 12 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, ये हमारे 21 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21। तो ये हमारे 21 है, ये भी हमारे 21 है। ये 12 फंदे जो हमने बनाए हैं, इन पर वर्क करना है हमें। तो इस तरह से हम यहीं से टर्न होंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये 12 फंदे बनाने हैं हमें। फिर से हम टर्न होंगे इस तरीके से। अब इन 12 फंदों को बनाएंगे हम, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो देखिए इस तरह से ये हमारे यहाँ पर भी इस तरह से ये उभार आ रहे हैं। तो ये अभी हमारे टू आए हैं, तो यहाँ पर हम देखिए वन टू, ये टू आए हैं अभी हमारे। तो इस तरह से हम ये उभार लाएंगे, 17 या 18 उभार लेकर आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, ये हमारी 18 है। तो ये 18 बनाकर कंप्लीट किए हैं हमने। देखिए ये हमारी सीधी साइड होती है, इस तरफ हमें सीधी साइड की पहचान इससे होती है, इस तरफ से हमने ये धागे फंदे डाले थे, तो इस तरफ ये हमारी सीधी साइड है। तो हमने ये यहाँ से बनाया था। देखिए वन टू थ्री फोर रो आ रही हैं ये हमारी, और हमने ये 12 फंदे बनाकर ये 18 रो कंप्लीट किए हैं। अब देखिए इस तरफ से हम फंदे उठाएंगे, वन टू थ्री आ रहे हैं ना ये हमारे, तो इस तरफ से हम फंदे उठाएंगे। देखिए फंदे हम किस तरह से उठाते हैं, देखिए यहाँ पर ये पहला फंदा उठाया, आप जिस तरह से उठाते हैं आप उस तरह से उठा लीजिए। ये हमारा पहला फंदा हुआ इस तरह से, ये दूसरा, तीन चार पाँच छः सात। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 18 फंदे उठा लूँगी। ये देखिए यहाँ पर हमने ये 18 फंदे उठा लिए हैं। अब हम इसको भी उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरह से ही हमने फंदे बना लिए हैं। अब हम इन फंदों को भी बना लेंगे इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाकर, इन फंदों को भी कंप्लीट करेंगे राउंड को। देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने, टर्न लेंगे हम इस तरह से। हम यहाँ पर भी उल्टा उल्टा राउंड बनाएंगे, तो हम यहाँ तक राउंड अपना बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बनाना है हमें, फिर इस तरफ भी हम फंदे उठाएंगे। तो पहले यहाँ तक हम राउंड बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, सभी फंदे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर भी हम अपने फंदे उठाएंगे, तो देखिए किस तरह से उठाएंगे, यहाँ से इस तरह से उठाएंगे हम, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो इस तरह से इधर भी हम 18 फंदे उठा लेंगे, 18 फंदे उठाकर फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये 18 फंदे उठा लिए हैं अपने, तो ये 18 फंदे भी हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे, और ये भी हम बनाकर कंप्लीट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है राउंड अपना, टर्न करेंगे हम, और यहाँ पर हम इस राउंड में भी इस तरह से उल्टा उल्टा बनाकर राउंड को कंप्लीट करेंगे। सभी फंदों को बना लेंगे हम उल्टा उल्टा, इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ बनाकर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए हमारी उल्टी साइड है,
अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे अपना। इस तरह से हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे। देखिए हम इस धागे को भी साथ में लेंगे इस तरह से। इस तरह से करते हुए जाएंगे धागे को हम, हमारी ड्रेस इसमें फिनिशिंग आएगी सॉक्स में। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बनाकर। देखिए राउंड हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब हम सीधी साइड बनाएंगे अपनी। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है। अब देखिए अपना ये राउंड बनाएंगे अब हम। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये दो बार आएंगे क्रीम कलर के, फिर दो बार आएंगे रेड कलर के, फिर क्रीम के दो बार आएंगे ये रेड के दो बार आएंगे, क्रीम के दो बार आएंगे। तो इस तरह से हम बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1 2 3, 3 हमने क्रीम से बनाए हैं और 2 हमने रेड से बनाए हैं। अब देखिए ये उल्टी साइड है हमारी, यहाँ पर अब हम रेड कलर के धागे से वर्क करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम उल्टा उल्टा राउंड बनाएंगे, उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे इस तरह से। राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है अपना। इस तरह से हमारा बनकर आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेड कलर से ही अपना वर्क करेंगे हम। यहाँ पर हम इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से अब ये देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से ये उभार आ रहा है, ये देखिए। तो अब हमें यहाँ पर 4 उभार और लेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट है, इसके बाद हम 4 उभार और लेंगे। ये उभार जो आता है हमारा, ये 2 सिलाई हम बनाते हैं तब ये एक उभार आता है। तो यहाँ पर हमने 8 सिलाई और लेनी है, तो 4 और आ जाएंगे। ये हमारी यहाँ पर हमने 9 बनानी है, तो ये हमारी 1 है, तो 8 और लेंगे तो ये हमारे 5 उभार आ जाएंगे। 1 ये है। यहाँ पर हम बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5th है हमारी। देखिए 1, पास से दिखा देती हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम यहाँ पर, ये हमारी उल्टी साइड है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम इस तरह से सबसे पहले 2 फंदे बनाएंगे। इसको हम, ये हमारा लास्ट वाला फंदा है, इसको हम उठाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से गिरा देंगे, फिर बनाएंगे पीछे वाले फंदे को हम आगे वाले फंदे के ऊपर से गिराएंगे, फिर से बनाएंगे हम इस तरह से गिराएंगे। सभी फंदों को हम इस तरह से बंद कर लेंगे।
इस तरह से करेंगे। इस तरह से गिराकर सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे। देखिए आप चाहें यहाँ पर एक दूसरा तरीका है बंद करने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहें यहाँ पर आधे फंदे बना लेंगे। आधे फंदे बनाने के बाद आप दोनों सिलाइयों को इस तरह से करेंगे और थर्ड सिलाई लेकर हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से भी आप बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से बहुत इजी तरीके से बंद करना बताया है, तो आप इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। तो बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हम। इस फंदे को भी हम इस तरह से बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। यहाँ पर धागे लंबा करके लंबा कट करेंगे हम धागे को। धागा कट करते हैं। यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है और यहाँ पर हमने सुई में धागा डाल लिया है अपना। ये लंबा धागा कट किया था, यही धागा हमने डाला है। देखिए हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी ऊपर रहेगी। इस तरह से इसको हम बंद करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से सिल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम इसको सिलाई कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सिल लिया है। यहाँ पर भी हमने सिलकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। हमने इस तरह से सीधा कर लिया है कि बहुत ही सुंदर सॉक्स है। देखिए इस तरह से बनकर आया है ये। थैंक यू।